करनाल के सांसद संजय भाटिया ने गांव रावर में ग्रामीणों का दुख की घड़ी में दिन रात साथ देने वाले विधायक हरविंदर कल्याण की पीठ थपथपाई। वहीं सांसद ने कहा कि थारा विधायक बहुत मेहनती, सज्जन व सेवा भाव वाला है। विधायक गांव में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन से गांव में पानी आया है वे उसी दिन से गांव में डटे हुए हैं और सभी कार्य तेजी से करवा रहे हैं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो उसको भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तेजी से निपटाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। आपको बता दें कि सांसद संजय भाटिया गांव रावर में नहर टूटने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गांव में पहुंचे थे। विधायक हरविंदर कल्याण ने सांसद भाटिया को नहर के साथ साथ पूरे गांव में हुए नुकसान का निरीक्षण करवाया। सांसद ने कहा कि नहर के टूटने से ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत ही संवेदनशील हैं और हर बिंदु पर पूरी नजर रखते हैं। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सांसद ने कहा कि शीघ्र ही नहर की पटरी को चौड़ा किया जाएगा और दोनों तरफ बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को पूरा लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से निर्देश देते हुए यह भी कहा कि वे घर घर जाकर पूरे गांव की रिपोर्ट तैयार करें। पानी की वजह जिस भी ग्रामीण का नुकसान हुआ है वह मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए। सांसद संजय भाटिया के जाने के बाद विधायक हरविंदर कल्याण ने गांव के मोचिज लोगों की बैठक ली और पिछले 6 दिन से गांव में चल रहे कार्यों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अन्य किसी भी कार्यों के लिए ग्रामीणों से सुझाव भी लिए, जिस पर ग्रामीणों ने पंचायती राज के कार्य, सफाई कर्मचारी बढ़ाने व अन्य मुद्दे रखे। यहां आपको बताते चले कि बाद में विधायक हरविंदर कल्याण ने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक कर रविदास सामुदायिक भवन में खाना खाया। उसके बाद विधायक कल्याण ने कर्मचारियों को कोरोना बचाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद भी मौजूद रहे। लोग बहुत ही धैर्यवान और एक टीम के रूप में आपने देखा ही है कि यहाँ पर किस तरह लोग लगे हुए हैं, और मैं बहुत ही साधुवाद अपने साथी भाई हरविंदर कल्याण जी को देता हूँ, जो दिन रात एक सेकंड के लिए भी इस गांव से अलग नहीं हुए और पहले दिन से लेके आज तक पूरी तरह से जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है हमारे कल्याण जी आइए जितना भी नुकसान हुआ है बिल्कुल बहुत संवेदनशील हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं किसी के साथ गलत नहीं हो जाए, जिसका जितना नुकसान है वो देंगे। 10 पैसे फालतू हो सकते हैं, कम नहीं। जो इसका रोकने का काम था उसमें डेरा सच्चा सौदा का बड़ा योगदान रहा। उस समय बिल्कुल हम डेरा सच्चा सौदा के लोग थे या गांव के लोग थे, प्रशासन था, विधायक जी थे, सबकी भूमिका रही और सबने अपने अपने कोशिश करके उसको किया। हालांकि पानी रुकने में देरी हुई जहां तक मैं समझ सकता हूं, तो पीछे से पानी रुका उसके बाद ही ये रुका। आगे से भविष्य में इस तरह की ना रहे तो पहले से इस बात की व्यवस्था करेंगे। और एक सूचना कहें आप ऐसे मौके पे, मैं वो शब्द तो प्रयोग नहीं करूँगा कि जल्द ही ये नहर अच्छे से इसकी पटड़ी भी चौड़ी होने वाली है, रिकंस्ट्रक्शन होने वाली है और आप देखेंगे कि दोनों तरफ कनेक्टिविटी बाईपास बनने वाला है। आप देखिए कि वो बाईपास बनने के बाद गांव आप समझ लीजिए कि हाईवे के ऊपर आ जाएगा। एक ये निर्णय ले लिया है। मुआवजे का कब तक हो जाएगा? मुआवजे का तुरंत ही आपके सामने ही मैंने सारी बातचीत की है। अधिकारी लगे हुए हैं, पटवारी लगे हुए हैं, IDRO साहब, तहसीलदार साहब सारे यहीं पर हैं, पंचायत अफसर यहाँ पर हैं और तहसीलदार भी हैं। तो ये सोमवार तक मैं समझता हूँ, जो इन्होंने कहा है कि हम पूरी रिपोर्ट दे देंगे। सोमवार तक रिपोर्ट के बाद भी कोई और नुकसान का और बात आ जाती है तो उसमें पूरा लीनियंट व्यू रखेंगे और जल्द ही इसको कोई डिले नहीं करेंगे, तुरंत ही लोगों को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.